बेसिक चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी का वेट कितना होना चाहिए, और दूसरा आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग खाना खा रहे हो या नहीं, मतलब ज़्यादा खा रहे हो कम खा रहे हो, ये सब कुछ बहुत इजी सा प्रोसेस है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ और गूगल भाई साहब हमारी मदद करेंगे, ठीक है? चलिए सबसे पहले हमें खोलना है गूगल और सर्च करना है BMI कैलकुलेटर। अब यहाँ सेकंड नंबर पे जो लिखा है www.calculator.net उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ एक ऐसा पेज सा खुल जाएगा। अब एज जो है आपकी एज लिखेंगे, जेंडर मेल हो तो मेल लिखो, फीमेल हो तो फीमेल लिखो, क्या बोल रही हूँ मैं, और हाइट, हाँ आपको हाइट सेंटीमीटर में लिखना है। तो अगर आपको अपना हाइट सेंटीमीटर में नहीं पता है और कन्वर्ट करने के तामझाम में नहीं पढ़ना है, तो सिंपल आप बैक आओ और यहाँ गूगल पे जाओ। और फॉर एग्जांपल अगर आपकी हाइट है 5 फुट 2 इंच तो आप लिखोगे 5.2 फिट इन सेंटीमीटर सर्च, और यहाँ पे ये आ गया 158 पॉइंट, ओके तो इतना है 1.5 फिट का, क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर में। ओके बैक चलेंगे अब वापस BMI कैलकुलेटर। अब यहाँ वापस से खोला हमने ये। अब एज तो हो गया, फीमेल लिख दिया, हाइट मेरी 5 फुट है तो मैं हूँ 152 सेंटीमीटर, और मेरा वेट 2020 के बिगिनिंग में कितना था वो देखते हैं, ठीक है? उस टाइम मेरा वेट था 85 kg। कैलकुलेट, माय गॉड, ओबीस क्लास सेकंड। और यहाँ पे बहुत खतरे की निशानी, ये जैसे जैसे डार्क होता जा रहा है, ये रेडिश मरूनेश टाइप होता जा रहा है ना, वैसे वैसे खतरा बढ़ते जा रहा है। तो उस टाइम मुझे BMI वगैरह पता भी नहीं था कि इससे क्या फ़ायदा होगा वगैरह, कुछ भी नहीं पता था। और मुझे 27.2 kg लूज़ करना था, यहाँ थर्ड नंबर पे है ना, तो वो तो पता नहीं था। फिर बाद में जब मुझे पता चला, उस टाइम मेरा वेट हो चुका था 80 kg, जो कि लॉकडाउन के स्टार्टिंग में हुआ था, मार्च में। मैं प्रोटीन रिच डाइट ले रही थी उस वक्त, तो मेरा 5 किलो वज़न कम हुआ था, बट फिर लॉकडाउन लग गया और फिर ये सब प्रोटीन रिच डाइट नहीं ले पा रही थी। तो अब मैं कैलकुलेट करती हूँ, और फिर उस टाइम मुझे पता चला मैं ओबीस क्लास फर्स्ट में हूँ, और थैंक गॉड मैं सेकेंड से आई थी, तो मुझे थोड़ा बहुत प्राउड हो रहा था कुछ खुद पर। और यहाँ मुझे लूज़ करना था 22.2 kg अभी, और अब फ़िलहाल मेरा वेट कितना है, जो कि लॉकडाउन लगे शायद 7 महीना हो चुका है, उससे ज़्यादा ही हो चुका होगा, आई डोंट नो। तो अब मेरा वेट है 69, एक्चुअली है तो 68 समथिंग, बट 69 लिख देते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं। अब मैं ओवर वेट कैटेगरी में आ चुकी हूँ, और मुझे नॉर्मल वेट कैटेगरी में जाने के लिए 11.2 kg लूज़ करना है। और जैसे ही मैं 11.2 kg लूज़ करूँगी, मैं यहाँ ग्रीन में आ जाऊँगी, ग्रीन सेफ्टी जोन है, यहाँ आप रहो कोई दिक्कत नहीं आपको। तो मेरा आइडियल वेट होना चाहिए, ये सेकंड नंबर पे देखिए, 42.7 से लेके 57.8, इतने के बीच में अगर मैं रहूँगी तो मैं हेल्दी रहूँगी और मैं फ़िट रहूँगी। तो मुझे एग्जैक्ट कितना लूज़ करना है ये BMI कैलकुलेटर हमें ये भी बता रहा है, 11.2 kg, ठीक है। अब लूज़ कैसे करना है, अब इसका प्रोसेस देखते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, इसको बैक आते हैं। अब चलेंगे हम सर्च करेंगे कैलोरी कैलकुलेटर, क्या लिख रहे हैं। कैलोरी लिख रही हूँ, कैलोरी कैलकुलेटर, ओके। ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, www.calculator.net, यहाँ सर्च कर देंगे। ऐसा एक पेज खुलेगा, ठीक है? एज अपनी लिखनी है, मेल है मेल, फीमेल है फीमेल, वही सेम चीज़। और हाँ, अब मेरा हाइट कितना था, 152 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 152 सेंटीमीटर। अब वेट की बात करेंगे, मेरा वेट फ़िलहाल कितना है, 69, ओके। और अब यहाँ पे आपको अपना मेंशन करना है कि आप एक्सरसाइज कैसे करते हो, एक से तीन बार वीक में कर लेते हो, एक से तीन दिन, क्या बोल रही हूँ मैं, एक्सक्यूज़ फॉर ऑल दिस, और या फिर 4 से 5 दिन करते हो हफ्ते में, या फिर डेली करते हो, या इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, या जो भी। तो मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, बहुत मुश्किल से रेयरली कभी कभी करती हूँ, जबकि मुझे एक्सरसाइज बहुत पसंद है, बट अभी इस टाइम पे करना पसंद नहीं है, बहुत गर्मी है। तो ये लिटिल और नो एक्सरसाइज में क्लिक करेंगे।
और कैलकुलेट। अब मुझे अपना वेट मेंटेन रखने के लिए चाहिए ये 1600 कैलोरी लेना पड़ेगा, और माइल्ड वेट लॉस करने के लिए 1300, और वेट लॉस करने के लिए 1100, और एक्सट्रीम वेट लॉस 1 किलो अगर 1 हफ्ते में ख़त्म करना है मुझे तो 625, जो कि बहुत ज़्यादा कम कैलोरी है। इतना कम अगर कैलोरी लेंगे तो एनर्जी की कमी पड़ जाएगी और फिर आएगी बहुत सारी कमजोरी और बीमारियाँ साथ में, तो इतना कम हमें नहीं लेना है। और वेट लॉस 1/2 kg/week वो भी नहीं, हमें 0.25 करना है, तो 1300 कैलोरी एकदम फिट है। अब मैं देखती हूँ मेरा वेट इधर बीच अच्छे से आराम से ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है, तो देखते हैं कि व्हाट आई ईट इन अ डे, टिपिकली इंडियन फूड कितनी कैलोरी होती है ये सब देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और सुबह में मैं भीगे हुए 5 बादाम खा लेती हूँ, आलमंड हो गया, और या फिर जब मुझे स्वीट की क्रेविंग होती है तो मैं डेट्स खा लेती हूँ। तो ऐसे कर्व के ऑलमोस्ट 1300 मेरा कैलोरी इंटेक हो जाता है डेली का, तो कभी कभी 1200 ही रह जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, और कभी एक एक मील मिस हो गया तो कम भी हो जाता है। ऐसा मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं है कि आपको इतना ही खाना है, बट आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर एनर्जी की कमी ना होने पाए। और हाँ, कैलोरी सर्च करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह में बनाती हूँ मसाला ओट्स ऑलमोस्ट एवरी डे, तो उसमें होते हैं 4 चम्मच ओट्स, तो 4 चम्मच ओट्स में हो गया, मतलब 1 टीस्पून होता है 5 ग्राम का, तो 20 ग्राम हो गए ओट्स। अब 20 ग्राम ओट्स में कितनी कैलोरी होती है ये हमें सर्च करना है गूगल पे, तो गूगल पे जाएंगे और सर्च कर देंगे कैलोरीज इन, फिर से कैलोरी की स्पेलिंग गलत है, कैलोरीज इन 20 ग्राम ऑफ ओट्स, सिंपल। अब ये रहा, पहले ही लिंक पे आपको शॉर्टकट में दिख जा रहा है, वहाँ ध्यान दीजिए, 78 कैलोरी इन 20 ग्राम ऑफ ओट्स, तो 78 कैलोरी प्लस, मैं उसमें वेजिटेबल्स भी डालती हूँ, मसाला हल्दी नमक ये सब कुछ हो गया, तो ऑलमोस्ट मिला के कंज्यूम कर लेते हैं कि 100 कैलोरी हो गया ये, बस बहुत सिंपल है। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो थैंक यू बहुत सारा, एक लाइक कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।